हेलो तो नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मैं चैनल बीटेक में। दोस्तों जो आपके लिए वीडियो लाया हूँ वो है इस टाइप के स्मार्टफोन्स के बारे में जिसने कि 2018 और 2019 में सबसे ज़्यादा इनोवेशन की। दोस्तों अगर आप बात करें 2018 और 2019 में इनोवेशन करने वाली कंपनीज तो उसमें टॉप कंपनी सबसे टॉप पर है। दोस्तों सबसे पहले आती है ओप्पो और दूसरी आती है वीवो। दोस्तों जो ओप्पो और वीवो अगर आप शुरू में बात करें 2016 और 2017 में सबसे बेकार कंपनी के रूप में दिख रही जाती थी, क्योंकि दोस्तों ये स्पेशली इस टाइप के स्मार्टफोन्स बनाती थी जिसमें कि आपको कैमरा स्पेशली अच्छा बने, और जो वीवो थी वो म्यूज़िक के लिए मतलब कि अच्छे स्पीकर्स वाली स्मार्टफोन्स बनाती थी। लेकिन दोस्तों जो कस्टमर्स की वांट थी वो कुछ अलग थी, जैसे कि वो कुछ यूनिक चाहते थे, कुछ इनोवेटिव चाहते थे और अच्छी प्राइस वाले चाहते थे, और जो इनोवेशन होता था वो काफ़ी मतलब कि अच्छा हो और जो स्पेसिफिकेशन हो वो प्राइस को जस्टिफाई करे। तो दोस्तों जो इस तरह के स्मार्टफोन्स थे वो ओप्पो और वीवो कहीं ना कहीं मतलब कि प्रॉब्लम कर रही थी कि उनके वहाँ इस टाइप के स्मार्टफोन मतलब कि प्राइस अच्छा नहीं रख पा रहे थे ये। तो दोस्तों जैसे कि ये अपने जो स्मार्टफोन थे वो ऑफलाइन मार्केट के लिए लाते थे, और जो ऑफलाइन मार्केट में इनकी काफ़ी ज़्यादा सेल्स होती थी, इसी कारण आज की डेट में टॉप 3 और टॉप 4 पर है। तो दोस्तों इस तरह के स्मार्ट अगर इंडिया में आप जानते हो कि जैसे कि ऑफलाइन मार्केट में अभी भी लोग स्मार्टफोन दे है, और ऑनलाइन मार्केट से काफ़ी मतलब कि जैसे कि आप जानते हो कि बैकवर्ड एरियाज़ काफ़ी है, तो वो लोग ऑफलाइन मार्केट की ओर ज़्यादा बढ़ते हैं। तो दोस्तों यही रीज़न है कि ओप्पो और वीवो ने उसमें थोड़ा सा मतलब कि पावर दिखाया था अपना। लेकिन जैसे ही शाओमी जैसी कंपनी इंडिया में आई, जैसे कि उन्होंने रिटेलर स्टोर्स खोले अपने, तो इस कारण कुछ ना कुछ चैलेंज मिल रहा था ओप्पो और वीवो को। और दोस्तों जो ओप्पो और वीवो थोड़ी मतलब कि अनफेवरेट कंपनीज़ बनने शुरू हो गई, और दोस्तों जैसे कि टेक रिव्यूअर्स थे उन्होंने भी ओप्पो और वीवो को काफ़ी बकवास बताया, क्योंकि जो स्पेसिफिकेशन थी वो प्राइस को जस्टिफाई नहीं कर पा रही थी, ये सबसे बड़ा रीज़न था इसका। और दोस्तों जो दूसरी तरफ जो शाओमी था वो काफ़ी अच्छे स्मार्टफोन लाता था, और जो स्पेसिफिकेशन थी वो अच्छी लाता था और कम प्राइस पर लाता था। और दोस्तों ओप्पो और वीवो को कुछ ना कुछ तो करना था मतलब कि मार्केट को बचाने के लिए, अपनी कंपनी को बचाने के लिए, तो दोस्तों उन्होंने इनोवेशन का सहारा लिया। दोस्तों 2018 में आई थिंक शुरुआत में उन्होंने इस टाइप के स्मार्टफोन्स लॉन्च करना शुरू कर दिया। अपनी नेक्स्ट सीरीज़ के साथ वीवो आया और अपनी जो सीरीज़ के साथ ओप्पो आया। तो दोस्तों उन दोनों ने अपने मतलब कि इस टाइप के स्मार्टफोन्स लाए, जैसे कि H2H डिस्प्ले, पॉपअप सेल्फी, इस टाइप की चीज़ें। तो दोस्तों आज की डेट में H2H डिस्प्ले और पॉपअप सेल्फी और स्लाइडिंग मैकेनिज्म ऑफ कैमरा काफ़ी हिट है, और हर एक कंपनी मतलब कि इसको फॉलो करे, क्योंकि दोस्तों फ्यूचरिस्टिक लगता है और काफ़ी मतलब प्रीमियम ही लगता है, और डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो दोस्तों ओप्पो के पास अगर आज की डेट में देखा जाए तो बेस्ट कैमरा, बेस्ट स्पेसिफिकेशन, बेस्ट चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी जो मार्केट है वो इसलिए कैप्चर नहीं कर पा रहा क्योंकि वो भले ही ऑफलाइन में है लेकिन जो प्राइस है वो हल्का सा ऊपर लग रहा है। भले ही जो इनोवेशन है वो काफ़ी अच्छी लग रही है, लेकिन जो इनोवेशन का रिस्क है वो सबसे बड़ी बात है कि ओप्पो और वीवो ले रहा है। अगर दूसरी तरफ आप देखें कि जो सबसे ज़्यादा इनोवेशन के लिए जाना जाता था आईफोन, वो आज की डेट में कुछ भी इनोवेशन नहीं कर पा रहा है। तो दोस्तों ये अगर आप बात करें कि कंपटीशन इन दोनों के बीच में, जैसे कि आईफोन के बीच में और ओप्पो और वीवो के बीच में, तो दोस्तों ओप्पो और वीवो भले ही मतलब कि इतने जाइंट है, लेकिन फिर भी जो आईफोन है वो ट्रिलियनेयर कंपनी है, तो कुछ ना कुछ इनोवेशन तो उससे भी ज़रूर करना चाहिए, वरना वो कुछ ना कुछ ऐसा कर सकती है जैसे कि इन दोनों कंपनी को पीछे करके या फिर टॉप 1 पर भी आ सकती है, क्योंकि आईफोन की डिमांड बहुत अच्छी होती है और लोग को काफ़ी भरोसा होता है आईफोन के ऊपर, और जो उसके हर एक चीज़ एंड्रॉयड से काफ़ी अलग होता है, जैसे कि आप जानते हो कि iOS के ऊपर चलता है, उसके बाद सॉफ्टवेयर अलग होता है, हार्डवेयर अलग होता है उसका, मतलब कि काफ़ी चेंजिंग आती है एक दूसरे, ट्रांजेक्शन मतलब कि काफ़ी अलग होता है उन दोनों का। तो दोस्तों इस तरह से अगर ओप्पो और वीवो ने कमाल करता रहा और जो आपके पास आईफोन है वो कुछ ना कुछ मतलब कि इनोवेशन नहीं कर पाया, तो आपको जो आईफोन है वो जल्दी मतलब कि इस टाइप से लगेगा कि कोई कंपनी थी आईफोन, क्योंकि दोस्तों भले ही जो आईफोन आज की डेट में आपको लैपटॉप और जो कंप्यूटर्स बना रहा है तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन जो मोबाइल उनका बेसिक है चीज़ जो मोबाइल के लिए उस सबसे ज़्यादा जाना जाता था, और जो लॉयल्टी है, जो काफ़ी इतना पावरफुल कंपनी है, तो उसे मतलब कि मोबाइल के ऊपर भी फोकस करना चाहिए, वरना एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि आईफोन के जो स्मार्टफोन्स है वो सोनी की तरह मतलब कि फ्लॉप
और तो दोस्तों, अगर आप सोनी के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन में लिंक है, तो आप वहाँ पर जाके भी देख सकते हो तो वीडियो। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतने ही, आप देखते रहे मेरे चैनल बीटेक। दोस्तों अगर आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद आती है तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस हर दिन लाता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।